यहाँ से जो है ले बचा 49 किलोमीटर। अपने बंजर इलाके चलने के बाद हमें एक जगह पे पहुंची, इसका नाम है जैसे आप देख सकते हैं रुमत। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से आ रहे हैं, ऊपर हम आ चुके हैं मॉनेस्ट्री में, लगा दी और यहाँ पे रेंचो स्कूल से लद्दाख। भाई सब छोड़ लद्दाख चलते हैं। अपने बंजर इलाके चलने के बाद हमें एक जगह पे पहुंची, इसका नाम है जैसे आप देख सकते हैं रुमत से 14,000 फीट पे। और यहाँ पे देखिए बगीचे भी यहाँ पे लगाए हुए हैं फूल वगैरह लोगों ने, तो ये हरियाली बहुत ही देर बाद हमें देखने को मिली। लेकिन हम ऐसे तो पत्थर ही पत्थर देख रहे थे इतने रास्ते में, तो पानी भी हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पानी ढूंढ रहे थे, कुछ खा पी लेते, मैगी वगैरह बना लेते हैं, आगे जैसे रुकते कहीं अच्छी सी जगह पे, वहाँ पे मैगी बनाते और फिर खाते और फिर से चल पड़ते ले। अभी हमें 80 किलोमीटर बचा है अभी भी ले, तो चलते हैं फिर। पानी भी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं है भाई, पूरे रास्ते में नहीं है पानी। यहाँ पे पंप सामने लो जी मिल गया पानी, बात की पानी की और मिल गया। अब इसमें पानी होना चाहिए, नहीं तो बेइज्जती हो सकती है यहाँ पे हमारी। जल्दी कर दो, 4-5 बोतलें भर दे और हम आगे अपना निकालते हैं सारा स्टॉल और खाने खुने का प्रबंध करते हैं, तो काम खराब। तो यहाँ पानी चाहिए ना पहले। ये बेचती वाला काम हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है पानी तो इसमें है ही नहीं। निकला। यहाँ आके हमें पानी मिला रुमत से, हमें उसके पीछे हमें पानी नहीं मिल रहा था कहीं पे। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से आ रहे हैं, टॉफी खा लो, नहीं आ रहे। तो अभी हमको यहाँ पे लोकल जो है भाई मिले थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आगे स्टेशन आता है खरू, तो खरू में जो है हमें मॉनेस्ट्री, एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है जो है हेमेज मॉनेस्ट्री, वो मिलेगी पहले देखने को। उसके बाद हम वो रेंचो स्कूल वगैरह वो भी देखेंगे सारा, वो सब आप आज ही कवर करेंगे। तो उसके बाद भी 2-3 जगह हमने उन भाई से पता की कि वो कहाँ कहाँ पे, तो वो भी रास्ते में मिलेगी। उन्होंने और भी बताया हमें कि कुछ और प्लेसेस भी है घूमने को वहाँ पे 2-3 जगह, तो वो आज देखते हैं, हम कब आपको बताते हैं आगे। देखते रहिए, बनते रहे ब्लॉग में। इन्होंने कुछ बनाया शायद मंदिर होगा जैसे हमारे होते हैं, ये ऐसे ही बनाया है, मतलब और कुछ नहीं है, अंदर जाने को नहीं है इसमें। ऐसे ही है, इनके गुरु जी के निशान है अच्छे, जैसे हमारा है गुरु जी का ओम स्वास्तिक, वैसा है इनका गुरु जी का। हाँ ऐसा हो सकता है कुछ, बहुत जगह बनाया है उधर भी आपको सामने दिख रहा होगा। गया कि गोवा? गया। गोवा 1 किलोमीटर चली रही ले पूछ के गोवा वो वाली गया है यो। बड़ी देर बाद हरियाली और ये ऐसे जो है इलाका हमें देखने को मिला। पत्थर तो यहाँ पे भी बहुत है, लेकिन आप सेब देख सकते हो पत्थर के। लीजिए गाइस, सो गाइस 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 विलेज मीरू नाम है इस, मीरू नहीं ऐसे ना, रोड हो जाना मेरी आमी। उसके बाद जो है हमें अभी मिले देखने को ऐसे जो है हरे भरे मैदान, ये गांव है मेरू नाम है इस गांव का। यहाँ पे मेरू नहीं तेरू मेरू कुछ नहीं, तेरू पहुँच चुके हैं उपसी, तो यहाँ पे आती है पुलिस चेक पोस्ट। यहाँ से जो है ले बचा 49 किलोमीटर, कारगिल है 273 किलोमीटर, श्रीनगर है 481 किलोमीटर, करू 9 किलोमीटर। असले पहुंचने वाले हैं अब थोड़ी देर पहले, करू आएगा, करू के बाद आएगा फिर लद्दाख ले।
ऐसे ऐसे जिग जैग। सर जान दे, वेलकम टू स्टेशन करू करू भैया। हम लोग जो है अभी लद्दाख से थोड़ा पीछे में जो स्टेशन पड़ता है करू है, करू में जो है एक मोनेस्ट्री है, इमेज मोनेस्ट्री, तो वहाँ पे हम जाएंगे। अभी एंटर किया हमने उसके वहाँ के गेट से, वहाँ पे पहुँच के आपको बताएंगे कि कैसी मोनेस्ट्री है। बोल रहे थे वहाँ पे वो लोकल जो लोग थे कि बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है वहाँ पर, तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम जो है गेट के पास पहुंचने वाले हैं। लो जी आ गए हम, 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर बता रहा है मोनेस्ट्री की जो दूरी है। ऊपर हम आ चुके हैं मोनेस्ट्री में। यहाँ पीछे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चला है उधर। यहाँ पे ये जो है पूरा करू जो मार्केट है ये सामने उधर है करू। यहाँ से हम चल पड़े थे फिर मोनेस्ट्री से। मोनेस्ट्री से आ चुके हैं हम वापस, अब हम आगे देखते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं थिक्सी मोनेस्ट्री। तो अभी हम पहुंच चुके थे थिक्सी मोनेस्ट्री।
अभी हमें पता चल नहीं रहा है कि जाना कहाँ से और कहाँ जाना है, तो क्या करें अब। मनीष्ट्री के लिए रास्ता था कि जरा और से ही, तो यहाँ ऊपर से आ गया हम फिर। यही तक है। भी नहीं है यहाँ पे, खाली रेगिस्तान। टिकट ले चुके हैं 3। लगना है पता है। नीचे का नजारा एक बार देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान का एरिया हो। एक बार आप ध्यान से देखिए कि मैं तो हैरान हूँ यहाँ देख के कि कैसा इलाका है भाई। मतलब गिने चुने घर हैं और बाकी बिल्कुल खाली। इस साइड तो है थोड़े मतलब पेड़ पुड़, लेकिन इस साइड तो बिल्कुल ही पत्थर। तारा तो हम आ चुके रेंचो स्कूल। दोस्तों तो अब हम जो नेक्स्ट लोकेशन थी वहाँ भी पहुँच चुके हैं। हम आपको बता ही देते हैं, जो एक अपनी मूवी थी 3 इडियट्स उसकी यहाँ पे शूटिंग हुई है। ये है रेंचो स्कूल। तो आपको रेंचो स्कूल नहीं आगे से है, नो एंट्री बाहर लगे बोर्ड है, इतने लगे पार्किंग बाहर है। अच्छा पार्किंग है। रांचौड़ दास छाछड़। अभी गाड़ी हमने जो है पार्क में लगा दी और यहाँ पे रेंचो स्कूल से लद्दाख यहाँ पे चलते हैं। इस जगह पर वो सीन हुआ था उसका, जब उसने वो नीचे बल्ब डाल था, वो सुसु कर रहा था वहाँ पे। द इडियोटिक बॉल, इडियोटिक बॉल पे तो हमने थोड़े बहुत पिक्स ले लिए। अब इस तरफ चलते हैं, इस तरफ क्या क्या है।
ऑल इज वेल। लेकिन इनकी फीस क्यों नहीं बनाया अभी तक, इनकी फीस नहीं बनाया अभी तक। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन पता नहीं। रिमेम्बर लाइफ इज रेस। तो अब हम यहाँ से चल पड़े हैं रेंचो स्कूल से, चलते हैं आगे ले की तरफ। अब ले का सफर हो गया है स्टार्ट, गाड़ी हो चुकी है हमारी बहुत ज़्यादा गर्म, पानी की दे दो हमें दो घूट। रेंचो स्कूल से निकल चुके थे हम, यहाँ से ले है सिर्फ 5 किलोमीटर पे। तो अभी हम जो है ले मार्केट के जो है नज़दीक यहाँ पे आए थे कुछ खाने के लिए, सुबह से कुछ नहीं खाया था तो यहाँ पे फिर हमने जो है कुछ राजमा और चावल खाए। फिर अब हम चलते हैं आगे की तरफ, तो रूम भी 11 देखते हैं कहीं पे अगर मिलता है हमें रेस्ट करने के लिए, फिर उसके बाद हम निकलेंगे अगले जो हमने अगला ट्रिप है उस पर। और बने रहिए इस ब्लॉग में, आपको बताते रहेंगे हम जो बहुत यहाँ पे बहुत जगह है लेकिन हमें उतना पता नहीं है उन जगहों के बारे में। अभी हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो दिक्कत हो रही है थोड़ी सी हमें उसको एक्सप्लोर करने में। वो बने ये ब्लॉग देखते रहिए और प्यार दिखाते रहिए। दोस्तों झूले 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 मतलब नमस्ते। तो हम जो है अभी घूम रहे हैं ले की जो है मेन मार्केट में, यहाँ पे आपको दिखाएंगे अब क्या क्या है यहाँ पे। बहुत सारी शॉप्स हैं जैसे मनाली में है वैसी शॉप्स हैं यहाँ पे भी, अलग अलग चीज़ों की शॉप्स हैं। झूले कैफे झूले कैफे झूले झूले नमस्ते नमस्ते। ये थी ले की जो मेन मार्केट वो थी, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है मतलब यहाँ से लेकर वहाँ से शुरू होती है और इस तरफ से ये है जामा मस्जिद ले लद्दाख। अभी हम ले की जो है मेन मार्केट से आ चुके हैं और वापस जो है ले की तरफ जा रहे हैं, तो ये वहाँ पे हम कुछ रूम वगैरह देखेंगे रहने के लिए, फिर सुबह निकलेंगे हम। कहाँ जाएंगे आप हैं, कहाँ जाएंगे सुबह देखते हैं फिर आपको बताते हैं कहाँ जाएंगे। यहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ सीधे चलो आप। कौन सी उधर कौन सी पुलिस स्टेशन है? नहीं नहीं यार पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। हाँ क्या दो दो खा के जाओ, मैं नहीं हम नहीं खाते, हम खाना नहीं खाते तो हाँ तब तो बोलते हैं राजमा ही चाहिए, रात को पनीर सुबह राजमा इससे नीचे तो आपकी दाल ही निकलती। ना ना देख सकते हो आप ऐसा राजस्थानी इलाका है आए तो हमले में है पर हमें पता भी राजस्थान की तरह है। देख सकते हो आप यहाँ पे ये सारी रेत है लेकिन पता नहीं इन्होंने कैसे लिखा है इसमें। ये क्या बार खा जा ये कैसे लिखा होना ये तो कमाल होगी, मतलब ही नहीं बनता पक्का है रे दे बीच में से तो ऊपर लिखा है बात खत्म हो ना पक्का आ रहे हैं। चांगला दर्रे का स्वागत करते हैं। तो अभी जो है मैगी भी हमारी तैयार हो चुकी है यहाँ पे, हरा भरा करके रखा है इसको, मतलब